हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कॉटन मिल्स कम अप। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड थी, यूरोप के अंदर भी उसकी उतनी ही डिमांड थी। तो उसको प्रोड्यूस कौन करते थे? हमारे वीवर्स। और हमने देखा था कि कैसे जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी। तो हमारे जो वीवर्स है वो कोई काम ढूंढने के लिए कोई एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर चला जाता है, कोई प्लांटेशन फील्ड के अंदर चला जाता है, कोई माइग्रेट कर जाते हैं और कोई कॉटन मिल्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो कॉटन मिल्स है ये आई कहाँ थी और कब आई थी? तो कॉटन मिल्स कम अप के बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया बॉम्बे इन 1857। तो पहली जो कॉटन मिल है, कॉटन मिल मतलब एक ही छत है और उसके नीचे सारा काम होता है, तो एक ही छत के नीचे सारा काम हो जाता है तो उसे हम कॉटन मिल बोलते हैं। तो पहली कॉटन मिल आई थी इंडिया के अंदर बॉम्बे में। कब आई थी? 1854 में। तो 1854 के अंदर आई थी। तो इसी कारण से जब वो बॉम्बे के अंदर 1854 के अंदर आई थी तो बॉम्बे को क्या बोला जाता है? हब ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल का हब बोला जाता है बॉम्बे को। तो इसको हब क्यों बोला जाता है? तो इम्पोर्टेंट पोर्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो जैसे मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया के पास में ये जैसे समुद्र वाला इलाका है, यहाँ पे अरेबियन सी वगैरह है, तो अरेबियन सी के अंदर जैसे नाव चलती है, तो ये मान लो नाव है, तो ये नाव चलती है, तो इम्पोर्टेंट पोर्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से क्या होता है? जो भी रॉ मटेरियल होता है, तो कॉटन वगैरह का एक्सपोर्ट होता है, मतलब इंडिया से जो रॉ मटेरियल है वो बाहर जाता है। तो ये जो बॉम्बे है, बॉम्बे मतलब मुंबई, तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, तो ये जो बॉम्बे है इससे इम्पोर्ट जो है इससे एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाता है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सोयल ट्रैक। तो ये जैसे मान लो पूरा महाराष्ट्र, आधा मध्य प्रदेश, आधा गुजरात, तो यहाँ पे जो सोयल होती है वो ब्लैक सोयल है। और हमने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा है कि कौन सी सोयल बेस्ट होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए, तो जो ब्लैक सोयल होती है वो बहुत अच्छी होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। तो बॉम्बे के अंदर कॉटन ग्रो किया जाता है, तो कॉटन इसलिए जो रॉ मटेरियल होता है वो भी इजीली मिल जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। तो अब हमें पता है कि जो इंडस्ट्री होती है उसे सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो हमने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा है, तो लेबर्स की इम्पोर्टेंस होती है, वाटर, कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो ये जो बॉम्बे है यहाँ पे लेबर भी इजीली मिल जाते हैं। पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन। अब यहाँ पे बिजनेसमैन भी होते हैं। अब आप बोलोगे कि कॉटन मिल्स को लगाने के लिए बिजनेसमैन की क्या ज़रूरत है? तो भाई बिजनेसमैन के पास में पैसा होता है तो वो इंडस्ट्री लगा देंगे। अब गरीब व्यक्ति के पास में तो पैसा नहीं होता है तो वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, तो जो पारसी और गुजराती बिजनेसमैन होते हैं वो इंडस्ट्री लगा देते हैं। अब हमारी इंडस्ट्री भी लग गई, हमें कॉटन भी मिल गया, तो जो ये जो इतना एरिया होता है यहाँ पे ब्लैक सोयल अच्छी मिलती है, तो यहाँ पे कॉटन इजीली ग्रो होता है, तो हमें रॉ मटेरियल भी मिल गया, हमें लेबर भी मिल गया, और यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल है वो इंडिया से एक्सपोर्ट भी हो सकता है, तो रॉ मटेरियल या फिर कपड़े वगैरह यहाँ से इजीली एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। तो क्या सिर्फ बॉम्बे के अंदर ही जो इंडस्ट्री है वो आई थी? नहीं, बाकी के जो सिटीज़ है वहाँ पे भी इंडस्ट्री आई थी, जैसे अदर सिटीज़ में, जैसे अहमदाबाद, कानपुर, यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब उत्तर प्रदेश, तो अहमदाबाद के अंदर भी आई थी, कानपुर के अंदर भी आई थी, और यूनाइटेड प्रोविंस मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर भी आई थी। तो हमने कॉटन मिल्स कम अप के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया।
अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम कॉटन मिल्स कम अप के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो अदर और भी बहुत सारे सिटीज़ के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आना स्टार्ट हो गई, जैसे अहमदाबाद, कानपुर और यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर। तो जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्री बढ़ने लगी, तो कॉटन इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ने लगी तो जो लेबर्स होते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्री बढ़ने लगी वैसे वैसे लेबर्स की डिमांड बढ़ने लगी, और जब लेबर्स की डिमांड बढ़ने लगी तो वो जो लेबर्स हैं वो काम को ढूंढते ढूंढते सिटीज़ के अंदर आ गए, तो जो माइग्रेशन है वो भी बढ़ने लगा। तो ये जो लेबर्स थे ये माइग्रेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमने देखा था कि जो वीवर्स थे उनका काम अब बंद हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटेन था वहाँ से जो कपड़े थे वो आना स्टार्ट हो गए। तो लेबर्स को कोई काम नहीं मिला, तो बाद में उनको वो जो लेबर डिमांड थी उसके अंदर उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट्स को, आर्टिशंस को और एग्रीकल्चरल लेबर्स को मूव टू द सिटीज़ टू वर्क इन द मिल्स। वो मिल्स के अंदर काम करने के लिए सिटीज़ के अंदर मूव करने लगे। तो थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स वो सिटीज़ के अंदर मूव करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मिल के अंदर काम करना था, तो मिल के अंदर काम करने के लिए वो मूव करने लगे। अब चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर जाना था कि जो यहाँ के लेबर्स थे वो क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे थे इंडियन टेक्सटाइल के कारण। लेकिन यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि हमारी ये जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो ये जो है बाद में उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस है वो? डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन जो था, दिखती बात है पहले तो ब्रिटेन के अंदर बहुत ही महंगा कपड़ा था, तो हमारे यहाँ के जो पुअर पर्सन्स होते थे वो उसको खरीद नहीं पाते थे। तो बाद में एक रेज ऑफ होप क्या थी कि जो पुअर पर्सन्स थे उनके लिए जो यहाँ के वीवर्स है वो कपड़ा बना के देते थे, तो उनको तो कपड़ा मिल गया। लेकिन अगर हम हमारी इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें उनको, मान लो कोई कपड़ा है जो कि 100 रुपये का है, तो ब्रिटेन से तो वो 100 रुपये के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ के हमारी जो इंडस्ट्री है वो उसी क्वालिटी के उसी कपड़े को 120 रुपये में बेच रही है। तो लेकिन ये 100 रुपये महंगे तो हैं, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री जितने रुपीस में बेच रही है उनसे तो सस्ता ही है। तो ब्रिटेन से जो भी कपड़ा आता था वो बहुत ही चीप होता था, बहुत ही सस्ता होता था, टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। तो हमें उसके साथ में कम्पीट करना पड़ता था, हम उसके साथ में कम्पीट नहीं कर पाते थे। तो वहाँ से कपड़ा सस्ता आता था और इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो उस कपड़े को महंगा करके बेचती थी। तो एक चैलेंज तो ये हो गया। फिर द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज्ड प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्री। अब जैसे मान लो ये इंडिया है, तो ये इंडिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही है। तो जैसे मान लो ये इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्री आ रही है तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे टैक्स बेरियर्स लगा देगी ताकि कोई बड़ी इंडस्ट्री आके अपना कपड़ा यहाँ पे ना बेचे, तो वो अपनी इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करना चाहेगी तो वो टैक्स बेरियर्स लगा देगी बाहर। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये तो लगा देगी, लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लगाएगी क्या हमारे लिए? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोल दिया कि हम आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बोल दिया इंडिया के अंदर यूजुअली रिफ्यूज्ड प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज। उन्होंने लोकल इंडस्ट्रीज को बोल दिया कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा था। तो जैसे मान लो ये जो कपड़ा है ये ब्रिटेन से यहाँ पे आ रहा था, तो ये कपड़ा वो तो ब्रिटेन को प्रॉफिट करवाना चाहेंगे, तो बाद में इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हम टैक्स बैरियर्स नहीं लगाएंगे।
लेकिन हमने तो यहाँ पे देख लिया कि उन्होंने चैलेंजेस फेस किया, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद में जो सिचुएशन है वो बदलती है, क्योंकि वर्ल्ड वार जैसे हमारी जो इंडस्ट्री थी वो पहली इंडस्ट्री कब आई थी 1854 के अंदर, और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था 1914 के अंदर। तो ये जो बीच में 60 सालों का पीरियड है इनके अंदर तो इंडिया की इंडस्ट्रीज ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार आया तो ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्री है वो क्या कपड़े थोड़ी बनाएगी, वो तो अपने वार की जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए बंदूक, गोले, बारूद, ये सब कुछ बनाएगी। तो वो तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज तो बिजी हो गई बारूद वगैरह बनाने में, और इंडिया की जो इंडस्ट्री थी, अब हमें पता है कि वार को लड़ने के लिए सिपॉयज चाहिए रहते हैं, अब सिपॉयज ड्रेसेस भी पहनेंगे, वो जूते भी पहनेंगे, तो वो जूते तो वो वहाँ पे नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्री को बोल दिया कि आप हमारे लिए कपड़े और जूते बनाओ। तो बाद में इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो आगे ग्रो होती गई, क्योंकि ब्रिटेन तो बिजी हो गया बारूद बनाने के लिए, और इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उन्होंने ब्रिटेन को भी सप्लाई करवाई किसकी, क्लोथ्स की और शूज़ की, और बाकी की कंट्रीज़ के अंदर भी उन्होंने सप्लाई करवाई। तो कॉटन मिल्स कम अप के बारे में हमने जान लिया कि कॉटन मिल्स पहले बॉम्बे में आई थी, तो बॉम्बे को हब ऑफ कॉटन इंडस्ट्री कहा जाने लगा। फिर हमने जाना कि उन्होंने कुछ चैलेंजेस फेस किए, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद में सिचुएशन चेंज होती है। तो हमारा इस चैप्टर का एक पिलर कंप्लीट होता है, तो ये जो वीवर्स वाला सेक्शन है हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम आयरन स्मेल्टर्स की बात करेंगे कि आयरन स्मेल्टर्स क्या होता है। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।